ये जहां आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारियों के नाम तय कर दिए, अजय चंद्राकर स्तरीय पंचायत चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, अमर अग्रवाल नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, शिव रत्न शर्मा नारायण चंदेल प्रभारी बने हैं, महेश गागरा और केदार कश्यप सह प्रभारी बने हैं। तो आगामी चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारियों की सूची जारी हुई है, इसमें कई सारे नाम बताए गए हैं जिसमें शिव रत्न शर्मा महेश गागरा और केदार कश्यप का नाम शामिल है। तो बीजेपी प्रभारियों के नाम तय हो गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हेमंत, जैसे कि बीजेपी प्रभारियों की एक सूची जारी हुई है जिसमें तमाम सारे नाम हैं, किस आधार पर ये नाम चिन्हित किए गए हैं और कितने नाम के और खुलासे हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जिन नामों का यहाँ पर ऐलान किया गया है उसमें गौर करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जनवरी के पहले सप्ताह में होना है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 4 से 5 चरणों में ये जो पूरा चुनाव है नगरीय निकाय का वो होगा। हालांकि जो तिथि की घोषणा है वो ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ 15 से 20 दिन बाद इस चुनाव की घोषणा हो जाएगी। जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उसी दिन यहाँ पर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो उसी चुनाव के सिलसिले में और तैयारियों में को लेकर एक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक परसों हुई थी। उस बैठक में प्रभारियों के नाम की चर्चा हुई थी लेकिन ऐलान नहीं हो पाया था। उसके बाद बैठक के 2 दिन बाद इस नाम प्रभारियों का ऐलान किया गया है। अगर इसमें नगरीय निकाय की बात की जाए तो उसके प्रभारी जो पूर्व नगरीय निकाय मंत्री रहे हैं अमर अग्रवाल, जो बिलासपुर से लगातार विधायक रहे हैं, उनको यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा जो पंचायत मंत्री थे बीजेपी सरकार में अजय चंद्राकर, जो वर्तमान में कुरुक्ष से विधायक है, उनको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। तो जिन नामों का यहाँ पर ऐलान किया गया है सोच समझकर बीजेपी ने इन नामों पर मुहर लगाई है, क्योंकि खासा अनुभव अमर अग्रवाल के पास नगरीय निकाय को लेकर है, क्योंकि 15 साल तक वो मंत्री रहे हैं। इसके अलावा अजय चंद्राकर की बात की जाए वो भी लगातार पंचायत मंत्री रहे हैं और बारीकी से वो पंचायत की जो परिस्थितियां हैं वहां पर जो राजनीतिक हालात है उसको समझते हैं। तो इसी दोनों की जो आधार है उसको देखते हुए यहाँ पर नामों का ऐलान किया गया। इसके अलावा उसे नगरीय निकाय से पहले 2 उपचुनाव का चुनाव होना है, दूसरा दंतेवाड़ा और चित्रकूट विधानसभा। तो इसके लिए भी प्रभारी और सह प्रभारी का ऐलान यहाँ पर किया गया है। दंतेवाड़ा की बात की जाए तो जो वर्तमान में भाटापारा से विधायक है बीजेपी के शिवरतन शर्मा, उनको यहाँ पर बनाया गया है प्रभारी। और जो यहाँ पर महेश गागड़ा हैं, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनको यहाँ पर सहप्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा एक और जो सीट है चित्रकूट, उसका जो प्रभारी है वो वर्तमान में जो जांजगीर चांपा से विधायक हैं बीजेपी के नारायण चंद्र, उनको बनाया गया है। जवाब क्या क्षेत्रवार तरीके से भी जिम्मेदारियां दी गई हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि जो 2 प्रभारी हैं नारायण चंद्र और शिवरतन शर्मा वो बस्तर के बाहर के हैं, लेकिन जो पूर्व विधायक रहे हैं महेश काकड़ा और केदार कश्यप, दोनों पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं। हालांकि परफॉर्मेंस लोकसभा विधानसभा चुनाव में उनका उतना खास नहीं रहा है, निराशाजनक प्रदर्शन वहां पर उनका दोनों का था, लेकिन उसके बावजूद उस क्षेत्र के परिस्थितियों को समझते हैं इसलिए उनको तरजीह दी गई है, क्योंकि उनके अलावा कोई और बड़ा नेता उस क्षेत्र में नहीं था। तो इसलिए सह प्रभारी जिस तरीके से केदार कश्यप और महेश गागड़ा को बनाया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। इसी बीच खबर उज्जैन से, जहां उज्जैन में भगवान महाकाल